हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग मंथली करेंट अफेयर सीरीज के दिसंबर मंथ के करेंट अफेयर्स को देखेंगे। ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हाल ही में किस देश के शासक अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबा का निधन हो गया? सऊदी अरब, कुवैत, ईरान या इराक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुवैत। कुवैत देश के शासक शेख नवाब अल अहमद अल सबा का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा न्यू होम पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? कैवल्य वोहरा को, नीलकंठ शर्मा को, सविता लाडेज को या राहुल सिंह को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविता लाडेज। सविता लाडेज को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा न्यू होम पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की प्रोफेसर हैं सविता लाडेज, इन्हीं को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 में कितने राज्यों को अचीवर्स के रूप में शामिल किया गया है? 13 राज्यों को, 14 राज्यों को, 15 राज्यों को या 16 राज्यों को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13। लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 में 13 राज्यों को अचीवर्स के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हरारे ट्रॉफी 2023 का खिताब हरियाणा ने किस राज्य को हराकर जीता? राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, बिहार को या महाराष्ट्र को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान ने विजय हरारे ट्रॉफी 2023 का खिताब हरियाणा को 30 रनों से हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26th वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? जर्मनी ने, फ्रांस ने, नॉर्वे ने या इंग्लैंड ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस ने 26th वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना द्वारा अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? नई दिल्ली में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वायुसेना द्वारा अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है। आंध्र प्रदेश के वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका में वायुसेना द्वारा अभ्यास अस्त्र शक्ति का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सर्ववेद महामंदिर धाम का उद्घाटन किया? बिहार राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या केरल राज्य में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सर्ववेद महामंदिर धाम का उद्घाटन किया। 18 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उमराहा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका, रूस, भारत या जापान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में भारत देश शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? भारत ने, जर्मनी ने, बेलारूस ने या ऑस्ट्रेलिया ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी ने FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया यूएसए 2023 किसने जीता है? आर्या वालवेकर, वैदेही डोंगरे, रिजुल मैनी या किम कुमारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजुल मैनी। रिजुल मैनी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 जीता है। न्यूजर्सी में आयोजित मिस इंडिया यूएसए 2023 प्रतियोगिता मिशिगन की 24 वर्षीय मेडिकल छात्र रिजुल मैनी ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य रखा गया है? चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए, चंद्रमा पर आधार स्थापित करने के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए या चंद्रमा के अंधेरे पक्ष पर उतरना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए। चंद्रमा से नमूने वापस लाना चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में मिशन अंटार्कटिका का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन अनिल चौहान, ग्रुप कैप्टन जय किशन या कैप्टन MV सचिन कुमार? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप कैप्टन जय किशन के द्वारा मिशन अंटार्कटिका का नेतृत्व किया गया।
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका की सफलता को चिन्हित करते हुए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की टीम को हरी झंडी दिखाई, जहां उन्होंने माउंट रेनोक पर 75,000 वर्ग फुट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े कार्यस्थल सूरत डायमंड बोस SBD को किसने डिजाइन किया है? एवोल्यूशन ने, मार्फोजेनेसिस ने, शिक्षा शास्त्र ने या परिसंघ ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्फोजेनेसिस ने। मार्फोजेनेसिस ने दुनिया के सबसे बड़े कार्यस्थल सूरत डायमंड बोर्स SBD को डिजाइन किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय स्थान है। इसका उद्घाटन 17 दिसंबर को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? आदित्य, बैराकुंडा, कलवेरी या अर्जुन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैराकुंडा। हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम बैराकुंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा पिनाका क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, परमाणु मिसाइल है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है या मिसाइल टैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली। खबरों में रहा पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा 2023 पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ग्लोबल रोड सेफ्टी पार्टनरशिप के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर यूरोप के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सड़क सुरक्षा 2023 पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंगोलखा वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में या सिक्किम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। पंगोलखा वन्य जीव अभयारण्य सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ एक टाइगर को 3,640 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है, जो कि रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में ओमान के सुल्तान भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर थे, उनका नाम क्या है? मोहम्मद सहाबुद्दीन, हैथम बिन तारिक, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैथम बिन तारिक। दिसंबर 2023 में ओमान के सुल्तान भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर थे, जिनका नाम हैथम बिन तारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी को किसने लॉन्च किया है? KPIT टेक्नोलॉजीज, IISC बेंगलुरु, IIT मद्रास या DRDO? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, KPIT टेक्नोलॉजीज के द्वारा हाल ही में पहली सोडियम आयन बैटरी को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 को शुरू किया? DRDO ने, इंटरपोल ने, नासा ने या COP28 ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरपोल। इंटरपोल के द्वारा हाल ही में ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब किसने जीता है? सायंतन दास ने, डी गुकेश ने, आर प्रगनंदा ने या अर्जुन सिंह ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी गुकेश। डी गुकेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब जीता है। यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने ओपेक समूह को छोड़ने की घोषणा की है? अंगोला ने, लीबिया ने, मोरक्को ने या ट्यूनिशिया ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगोला। अंगोला अफ्रीकी देश ने ओपेक समूह को छोड़ने की घोषणा की है। अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक देश अंगोला ने ओपेक से हटने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को या 24 दिसंबर को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है और यह 2001 से राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमंतिया जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हनुमंतिया जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय सिंह को किस भारतीय खेल संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अखिल भारतीय टेनिस संघ, अखिल एथलीट्स महासंघ, भारतीय कुश्ती महासंघ या भारतीय खेल प्राधिकरण? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कुश्ती महासंघ। संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पाट मित्र एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? वस्त्र मंत्रालय द्वारा,
वित्त मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा या अंतरिक्ष मंत्रालय द्वारा? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र मंत्रालय। वस्त्र मंत्रालय द्वारा हाल ही में पाट मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। वस्त्र मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट, रिविजिटिंग द एंड ऑफ पावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वनी कुमार के द्वारा, विवेक बिंद्रा के द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा या नरेंद्र मोदी के द्वारा? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार के द्वारा ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट, रिविजिटिंग द एंड ऑफ पावर पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 की शुरुआत की है। सांस का पूर्ण रूप क्या है? सोशल एक्शन एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, सोशल अवेयरनेस एंड एंसर टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, सोशल अवेयरनेस टू एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया या सोसाइटी अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सांस का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया है? सेफ्टियन वेटेल को, मैरी ईयप्सन को, लुई हैमिल्टन को या डेनियल रिकार्डो को? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैरी ईयप्सन को। मैरी ईयप्सन को बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किस पुस्तक ने जीता है? इनकम्प्लीट, सोलो, डिलेड वाइफ या सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम ने सिक्स्थ रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, 19 दिसंबर को या 20 दिसंबर को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को, प्राची यादव को, अदिति गोपीचंद स्वामी को या प्रवीण देवताले को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा 9 जनवरी 2024 को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया है? एस सोमनाथ को, समित बी कामत को, पूनम खेत्रपाल सिंह को या बिनोय राव चौधरी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूनम खेत्रपाल सिंह को हाल ही में भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया? KGF को, चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी को, मोन पोटोंगो को या ब्रोकन ड्रीम स्टोरी फ्रॉम द म्यांमार कॉप को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी को कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भूपेश बघेल को, रमन सिंह को, कविता सिंह को या अनीता बघेल को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमन सिंह को। रमन सिंह को हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी तमिल संगम के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या तमिलनाडु में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, मिचेल स्टॉक या पैट कमिंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिचेल स्टॉक। मिचेल स्टॉक IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उन्नत आरोग्य श्री योजना शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, तेलंगाना सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा या महाराष्ट्र सरकार के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उन्नत आरोग्य श्री योजना शुरू की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नीति आयोग के कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूनो फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कूनो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में कूनो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, लियोनस मेसी को, नेमार को या किलियन एम्बाम्पे को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनस मेसी को। लियोनस मेसी को टाइम मैगजीन ने हाल ही में एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। लियोनस मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर है। इन्होंने हाल ही में बैलन डी ओर पुरस्कार भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए भारत के समावेश नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अमित शाह ने, द्रौपदी मुर्मू ने, निर्मला सीतारमण ने या रामनाथ कोविंद ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने हाल ही में नए भारत का समावेश नामक पुस्तक का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अति विशेष रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नंदिनी दास को, स्वाति नायक को, रामचंद्र गुहा को या प्रशस्ति श्रीवास्तव को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशस्ति श्रीवास्तव। प्रशस्ति श्रीवास्तव को हाल ही में अति विशेष रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर या 10 दिसंबर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। इस बार की इसकी थीम थी वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में भीमराव अंबेडकर जी की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 11 इंच, 6 फीट 2 इंच या 6 फीट 4 इंच? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 फीट 11 इंच। जयपुर वैक्स म्यूजियम में भीमराव अम्बेडकर जी की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उसकी ऊंचाई 5 फीट 11 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में COP28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? IIT मंडी, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद या IIT दिल्ली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मंडी। COP28 में IIT मंडी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट के लिए सेंचुरी एशिया अवार्ड जीता है? बिहार ने, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने या गुजरात ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट के लिए सेंचुरी एशिया अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? 2nd, 3rd, 4th या 5th? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC विश्व स्तर पर 4th स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में भारत में पहली बार मेंस क्लब वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली, इंदौर, बेंगलोर या भुवनेश्वर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। बेंगलोर में दिसंबर 2023 में भारत में पहली बार मेंस क्लब वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। यह बेंगलोर के कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI को लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, मेटा ने या OpenAI ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। गूगल ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन नियुक्त किया गया है? समीर शाह को, अजय बंगा को, रघु श्रीनिवासन को या अरिंदम बागची को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समीर शाह। समीर शाह को BBC नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिजोरम के नए CM कौन बने हैं? जोरमथंगा, लाल दुहोमा, पुल्लथन हलवा या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल दुहोमा। लाल दुहोमा मिजोरम के नए CM बने हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएनएससीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? अब्दुल लहारी मायर को, सफीना हुसैन को, पेरुमल मुरुगन को या सेनिस पलासियो को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्लाही मायर को यूएनएससीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना 1950 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AI आधारित मॉडल क्यू किसने विकसित किया है? गूगल ने, इन्फोसिस ने, OpenAI ने या माइक्रोसॉफ्ट ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, OpenAI। OpenAI ने मॉडल क्यू को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दी है? जापान ने, चीन ने, अमेरिका ने या ब्रिटेन ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फास्टर 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? सेबी ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ECI ने या नन ऑफ द एबव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फास्टर 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? $2 trillion, $3 trillion, $4 trillion या $5 trillion? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, $4 trillion। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने $4 trillion का पहली बार बाजार पूंजीकरण हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर 2023 को BSF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 56th, 57th, 58th या 59th? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 59th। 1 दिसंबर 2023 को BSF ने 59th स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश की है? हाथी दल, गजराज सुरक्षा, गजराज कवच या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजराज सुरक्षा। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा तकनीकी को पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? आगरा में, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया? नोएडा में, गुरुग्राम में, नई दिल्ली में या बेंगलोर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। गुरुग्राम में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के नोट के कितने प्रतिशत नोट बैंक में वापस आए हैं? 96.42%, 92.84%, 97.26% या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 97.26%। RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के 97.26% नोट बैंक में वापस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋतुराज गायकवाड़। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोजाबाद। हाल ही में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन लगातार तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर बना है? पटना, कानपुर, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। हाल ही में कोलकाता लगातार तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा को, लियोनस मेसी को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनस मेसी को। लियोनस मेसी को टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? 4, 7, 5 या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाएं भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की गई है? जैसलमेर में,
हैदराबाद में, पुणे में या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। हैदराबाद में 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा योजना शुरू की गई है? हरियाणा राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में या राजस्थान राज्य में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य में लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक या पेरिस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंकॉक। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 8वां संस्करण बैंकॉक में आयोजित किया गया। इसका आयोजन 19 से 22 दिसंबर तक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किसे मिला है? सुमित अंतिल को, गौरव खन्ना को, नीरज चोपड़ा को या प्रमोद भगत को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमित अंतिल को। सुमित अंतिल को प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब मिला। वहीं तीरंदाज शीतल देवी को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में संस्कृति उत्सव शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ राज्य में, राजस्थान राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में या उत्तर प्रदेश राज्य में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में संस्कृति उत्सव शुरू किया गया है। सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव का शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय का कौन सा स्थान है? 220वां, 203वां, 234वां या 244वां? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 220वां। यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय का 220वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नौसैनिक जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? INS विशाल को, INS हिमाद्री को, INS इम्फाल को या INS हिमालय को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी INS इम्फाल। नौसैनिक जहाज INS इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिवों का तीसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली, भोपाल, रायपुर या चेन्नई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। मुख्य सचिवों का तीसरा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्री राम धाम, अयोध्या धाम, पवित्र धाम या अमृत धाम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अयोध्या धाम। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है। 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट और नव निर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजय कांत का निधन हो गया, वह कौन थे? नेता और अभिनेता, अर्थशास्त्री, लेखक या फिल्म निर्देशक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेता और अभिनेता। विजय कांत जिनका हाल ही में निधन हो गया वह नेता और अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ खोला गया? कोटा, जोधपुर, जयपुर या भरतपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोटा। कोटा, राजस्थान के कोटा में पहला स्नेक पार्क खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CISF की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? गीतिका कौल, नीना सिंह, कंचन देवी या मनीषा पाढ़ी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीना सिंह। CISF की पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? 23 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 21 दिसंबर को या 20 दिसंबर को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है और इस बार 2023 की थीम थी राष्ट्रीय किसान दिवस का सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन दिवस कब मनाया गया है? 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 23 दिसंबर या 22 दिसंबर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई जागृति पोर्टल और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, अमित शाह या स्मृति ईरानी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने ई जागृति पोर्टल और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस दिन को तबला दिवस घोषित किया गया? 21 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को या 25 दिसंबर को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश में तबला दिवस के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्युतम आंध्र की शुरुआत किस राज्य में हुई है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में अद्युतम आंध्र की शुरुआत की गई है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने गुंटूर में खेल उत्सव अद्भुतम आंध्र कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। यह आंध्र प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा खेल टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए किस मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या कपड़ा मंत्रालय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है? सऊदी अरब, यूएई, वियतनाम, ईरान? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई। भारत ने यूएई से कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है। यह वैश्विक स्तर पर मुद्रा को बढ़ावा देने हेतु भारत की ओर से एक उठाया गया कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट किसने जीता है? पावेल एंजेलनो ने, वान अरोनियन ने, अर्जुन एरिगेसी ने या डी गुकेश ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी गुकेश। डी गुकेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? वीरा मंगाई, जूही, मोगा या ईवा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरा मंगाई। वीरा मंगाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंटर कार्निवाल किस राज्य में शुरू हुआ है? केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में विंटर कार्निवाल शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में क्रिसमस से न्यू ईयर तक चलने वाला यह 7 दिवसीय फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में गिग श्रमिकों को 5 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा? त्रिपुरा, नागालैंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में गिग श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया है? अल बदर, लश्कर ए उमर, हरकत उल अंसार या मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर। गृह मंत्रालय ने हाल ही में मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दीनदयाल उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन जयराम गडकरी या अर्जुन मुंडा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालपराई पर्वत कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, मध्य भारत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। वालपराई पठार पश्चिमी घाट में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित एक क्षेत्र है, विशेष रूप से तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? म्यांमार, अफगानिस्तान, ईरान या भारत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। म्यांमार देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे पी गोविंदा पिल्लई स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय को, पल्लवी जोशी को, पंकज त्रिपाठी को या भाविन राबड़ी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति राय। अरुंधति राय को तीसरे पी गोविंदा पिल्लई स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरुंधति राय को मार्क्सवादी विचारक पी गोविंदा पिल्लई की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए पीजी संस्कृति केंद्र द्वारा स्थापित तीसरे पी गोविंदा पिल्लई स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? डेनियल बैर बोइम को, अली अबू अबाद को, दोनों को या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। डेनियल बैर बोइम और अली अबू अबाद दोनों को ही इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। 2023 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर डेनियल बैर बोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अबाद को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार किस शहर में भारत में सबसे अच्छा जीवन स्तर है? मुंबई, हैदराबाद,
बेंगलोर, अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार हैदराबाद शहर में भारत में सबसे अच्छा जीवन स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर COP29 शिखर सम्मेलन के मेजबानी करेगा? सियोल साउथ कोरिया, बैंकॉक थाईलैंड, बाकू अजरबैजान, बीजिंग चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाकू अजरबैजान। बाकू अजरबैजान COP29 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। संयुक्त राष्ट्र का अगला जलवायु सम्मेलन COP29 11 से 24 नवंबर 2024 को अजरबैजान में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समक्का सरकार केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना, ऑस्ट्रेलिया, असम, बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। समक्का सरकार केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। संसद ने तेलंगाना राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? पंडित सतीश व्यास को, पंडित गणपति भट्ट को, मंजू मेहता को या पंडित उल्लास कसालकर को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित गणपति भट्ट को। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट को और कवि प्रदीप सम्मान नरसिंहपुर के गुरु सक्सेना को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अमृत प्रौद्योगिकी को विकसित की है? IIT मद्रास ने, IIT बॉम्बे ने, IIT दिल्ली ने, IIT कानपुर ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने अमृत प्रौद्योगिकी को विकसित किया है। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीकी को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अंटार्कटिका में भारतीय परियोजना नहीं है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, हिमाद्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाद्री। हिमाद्री अंटार्कटिका में भारतीय परियोजना नहीं है। प्रोजेक्ट गंगोत्री मिशन के तहत भारत ने दिसंबर 1983 में अंटार्कटिका में अपना पहला अस्थायी बेस दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया था। इस वर्ष इस मिशन की 40वीं वर्षगांठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया था? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास मेघालय राज्य में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता शुरू किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, ICICI बैंक ने या बैंक ऑफ इंडिया ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति बचत खाता को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? विद्या बालन को, आमिर खान को, शाहरुख खान को या कबीर बेदी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर बेदी। कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कबीर बेदी को ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? विशाल भारद्वाज ने, कार्लोस डैनियल मालवे ने, अनुराग कश्यप ने या चेतन भगत ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस डैनियल मालवे। कार्लोस डैनियल मालवे ने 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस किस शहर में शुरू किया गया है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, दुबई में या सिंगापुर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई। दुबई में ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस शुरू किया गया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस को दुबई में COP28 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदम पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? लता मंगेशकर, रतन टाटा, जावेद अख्तर या मुकेश अंबानी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को पदम पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जावेद अख्तर को आगामी अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पदम पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली 6 लेन के स्टील स्लैब आधारित सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है? राष्ट्रीय राजमार्ग 9, राष्ट्रीय राजमार्ग 6, राष्ट्रीय राजमार्ग 14, राष्ट्रीय राजमार्ग 22। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर भारत की पहली 6 लेन की स्टील स्लैब आधारित सड़क बनाई गई है। NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाले भारत के पहले 6 लेन स्टील स्लैब आधारित सड़क का निर्माण किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बन्नी घास का मैदान किस राज्य में पाया जाता है? असम, बिहार, गुजरात या छत्तीसगढ़? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात में बन्नी घास का मैदान पाया जाता है। केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ जिले में बन्नी घास के मैदान में चीता संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा इंपीरियल एलेक्जेंडर 3 पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है? रूस, अमेरिका, इजराइल, चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस के द्वारा इंपीरियल एलेक्जेंडर 3 पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी ऑफ लेक प्रोजेक्ट किस शहर में लॉन्च किया गया है? पुणे, उदयपुर, दिल्ली या कोलकाता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली को में द सिटी ऑफ लेक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विकसित भारत एट द रेट 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल किसने लॉन्च किया? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत एट द रेट 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनरेक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? फ्रांस, अमेरिका, वियतनाम या नेपाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023 भारत और वियतनाम के बीच आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था? 5 अगस्त 2018, 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2020 या 5 अगस्त 2021? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अगस्त 2019। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला को बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने 5 अगस्त 2019 को हटा दिया था। राष्ट्रपति के फैसले के द्वारा केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया तथा इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा घोषित सांस्कृतिक परियोजना का नाम क्या है? मेरी गांव मेरा पहचान, मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी जिंदगी, मेरा गांव मेरी भूमि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा गांव मेरी धरोहर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा घोषित सांस्कृतिक परियोजना का नाम मेरा गांव मेरी धरोहर है, जिसका उद्देश्य भारतीय गांव के भीतर सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है। आज के वीडियो में हम लोगों ने दिसंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखे, करंट अफेयर्स के ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।